अभिनंदन के साथ भरपूर भोजन ताली से स्वागत। हम लोग अमन चौधरी जी, हम लोग भी उपाध्यक्ष से भी खिया पिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जमुना भाई जी को हम कहेंगे कि आइए और राकेश मुखिया से सम्मानित कराएंगे। हमको बहुत खुशी होगा कि दोनों पर्व को इसी साथ में आएंगे और साथ में लड़ेंगे। क्या बात है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी कम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी कम होता है। और आप जैसे अतिथियों के आने पर ताली वही बजाता है जिसे हाथ में कम होता है। और ये खींच बड़े ही मनोहर बड़े मनोहर कि हमारे विपक्ष विपक्ष दोनों में बैठा ये समाज को एक संदेश दे रहा है कि भले ही आपस में जुड़ना दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, जो भाईचारा हमें मिलती है। अब मैं अपने लिए है सुगम जी को मुखिया अध्यक्ष जी करेंगे, राकेश जी और मोनू जी को हमारे पिंटू भैया करेंगे। जिला प्रधान भाग तू है पिंटू भैया, मंटू जी को हमारे पैगम्बरपुर पंचायत के मुखिया जी भावी मुखिया जी हैं सम्मानित करेंगे। हम कहेंगे अंपायर से आप लोग खेला को चालू कराइए, बहुत लेट हो गया जी। नमस्कार नमस्कार, खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम खिलाड़ियों को मैं दिल से बधाई देता हूं और जितने जो यहां उपस्थित हैं हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण, हमारे उपस्थित नौजवान साथियों, हमारे बच्चे, तमाम लोगों को मैं खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। यह खेल एक समाज को अच्छा मैसेज देता है। खेल किसी तरह का खेल हो, वह खेल समाज के लिए अच्छा मैसेज जाता है और खेल से ही आपसी भाईचारा, मोहब्बत, शांति, सौहार्द का पैगाम देता है। इसीलिए यह खेल में सबको रुचि लेना चाहिए और हमारे जो नौजवान छोटे छोटे जो बच्चे आज यहाँ प्रदर्शन करेंगे उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वह आज हमारे पंचायत में खेल रहे हैं। पंचायत में इसमें कोई नहीं जानता कि कौन बच्चा कहाँ आज टॉप करेगा और प्रखंड से जिला और बिहार में खेलेगा। मैं तमाम बच्चों को जो खिलाड़ी हैं उनको मैं दिल से आभार करता हूं और उनके हौसलाओं को मैं बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूं कि वो खेलें और खेल से जो जिस लाइन में हो, पढ़ने में हो, खेलने में हो, वो उसमें अपना नाम रोशन करे। हम लोग यही उन लोगों से उम्मीद भी रखते हैं। यहाँ बनियापुर भाग दो के जिला परिषद प्रत्याशी पिंटू सिंह से हम बातें करेंगे कि यहाँ पे सर कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप जिला परिषद से निकलते हैं तो पहला मुख्य कार्य क्या होगा आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे यहाँ जो ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड में ठीक है अभी अच्छा नहीं है, लेकिन जितने बच्चे हैं जितना इनका हौसला बढ़ाएंगे तो मेरे यहाँ भी बहुत बहुत अच्छे ग्राउंड है। जैसे कोलवा हाई स्कूल जाइए आप, चाहे जलालपुर हाई स्कूल जाइए, अच्छे ग्राउंड है। अब छोटे से खेलेंगे तो बड़े सर, यहाँ बनियापुर प्रखंड में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम नहीं है तो हमारे पूर्व विधायक जो जी यहाँ पे सर स्टेडियम नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल से भी मैं बताना चाहता हूँ, बिहार सरकार का बहुत सा स्कीम है, उस तहत खिलाड़ियों का भी हम लोग हौसला बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि यह टीम एक एसोसिएशन के तरह चले, रजिस्टर्ड कराए और रजिस्टर्ड होने के बाद इसको रात दिन तरक्की करने का, बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ इस प्रखंड में एक बढ़िया खेलने का स्टेडियम बने, या हम ऐसा बात रखेंगे पटन पर या मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ खेले और आगे बढ़े। बिल्कुल सर, जो आजकल का पीढ़ी चल रही है, पीढ़ियों के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए आज की पीढ़ी तो नौजवानों की पीढ़ी जिस तरह हौसला अफजाई करते हैं, मैं कहता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान डेवलपमेंट कर गया, तरक्की हुआ, लेकिन हमारे बच्चों को मैं चाहूँगा हर माँ बाप को भी कि अपने बच्चों को संस्कार का भी ज्ञान दें और उसका भी उतना ही ज़रूरत है। संस्कार मिलेगा और विज्ञान की तरह डेवलप करेगा तो हमारे बच्चे अच्छे करेंगे। और आप जानते हैं बिहार के बच्चे और बच्चियाँ वो अव्वल होती हैं पढ़ाई के लिए या जीतने के लिए। किसी भी पहाड़ पर अगर चढ़ना हो तो हमारे बिहार के बच्चे उस बुलंदी पर चढ़ जाएंगे हौसला के साथ। या बिहार के नौजवान हैं और बिहार के बच्चे हैं, बिहार की बेटियां हैं। सर, अभी जो दो टीमों के बीच में खेल शुरू होने जा रहा है, हरपुर और मझौली, उनके लिए विशेष क्या रहेगा? देखिए, हरपुर और मझौली जो खेल कहीं भी खेल होता है दो लोगों के दो टीमों के बीच में होती है। एक टीम हारती है तो एक टीम जीतती भी है। तो हारने वाले टीम को भी मैं कहूँगा कि अपने मन से हार नहीं रखना चाहिए, हौसला को बुलंद रखना चाहिए। हारोगे तो कल तुम जीतोगे, खेल अच्छा होना चाहिए। बढ़िया खेल खेलने वाला हार को स्वीकार भी करता है तो हार के पीछे जीत भी होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा उन तमाम खिलाड़ियों से जो खिलाड़ी हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपने साकार होते हैं। पंख होने से नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं। और हमारे बच्चे ये हौसला लेकर चले हैं, इसलिए जो खेल होगा आज देखने लायक होगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो रोशनी लगी हुई है और यहाँ उसको हमारे बच्चे जो छक्का चौका चौका और ये मारेंगे उस पर भी हमारे प्लेयर यहाँ मंच पर लगा हुआ जो बच्चे डांस का भी प्रोग्राम यहाँ करेंगे बच्चियाँ यहाँ वो भी आपको प्रदर्शित होगी, वो इंजॉय लेंगे। और खेल जगत का बहुत ही सुनहरा चीज़ है, खेल खेलना चाहिए, हर चीज़ में खेलिए, उन्नत कीजिए, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मेरा आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े पर बने रहने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।